मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर संभागायुक्त डूब प्रभावित क्षेत्र निसरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावितों से संवाद किया। जनसंवाद में प्रभावितों के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर ने डूब से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर डूब प्रभावितों की मांगे रखी। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डूब प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर आए संभागायुक्त दीपक सिंह ने सुबह 11 बजे कुक्षी के हीरा पैलेस में धार, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की डूब संबंधित बैठक की। इसके बाद करीब 2:30 बजे पूरे अमले के साथ वे निसरपुर पहुंचे, जहाँ उन्होंने डूब प्रभावित क्षेत्र से आए प्रभावितों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। संभागायुक्त ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर से भी संवाद किया, जिस पर मेधा पाटकर ने कई संवेदनशील मुद्दों पर प्रभावितों की और मैं तथ्य अपनी बात रखी। आज धार जिले के कुक्षी तहसील के निसरपुर में जो जनसंवाद आयुक्त महोदय ने रखा है, उसमें 4 जिलों के कलेक्टर्स और तमाम अधिकारी उपस्थित थे। उसमें हमारे भी सैकड़ों विस्थापित हाजिर थे, जो चारों जिलों के प्रतिनिधि तो एक प्रकार से करते हुए ये बताने आए थे कि उनका पुनर्वास बाकी है और ये पुनर्वास होने तक डूबग्रस्त नहीं किए जा सकते हैं। 2023 की डूब अतिवृष्टि से नहीं आई। 2023 की डूब में 15,946 परिवार जो कि डूब के बाहर अवैध रूप से किए गए थे 2008 से, वो डूब में आए और उनकी जो ध्वस्तता हुई है उसको केवल राहत से नहीं निपटाया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आश्वासन चुनावी सभा में दिया था उसके अनुसार उनको पूरी नुकसान भरपाई दी जाए और जब तक सभी किसान, मजदूर, टीन शेड में पड़े हुए लोग, खेती आवंटन में फंसाए गए लोग, घर प्लॉट बाकी है या मकान निर्माण के लिए अनुदान बाकी है या गुजरात में फंसाए हैं, सभी अलीराजपुर के पहाड़ी आदिवासी हो या निमाड़ के मैदानी भूमिहीन या भूमि धारक हो, ये सभी के बात आज हमने रखते हुए यही मांग की है कि ये जो अवैध डूब पिछले साल आ गई जिसमें बांधों के जल प्रवाह का नियमन होना था वो नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी हाइड्रोमेट सब ग्रुप से है, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की है, उसके लिए रिजर्वायर रेगुलेशन कमिटी है, पर इसके लिए मध्य प्रदेश ने अपने विस्थापितों के हित में सत्यवादी बयान। मैंने अभी 2 दिवसीय दौरा निसरपुर का किया है, कई गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की है, कोटेश्वर में, कटनेरा में, निसरपुर में, रात्रि शाम भी यही किया है। आज हमने सुबह बैठक की है जिसमें आईजी इंदौर, 4 जिले के कलेक्टर्स, SP और विभिन्न विभागों के संभागीय और जिलाधिकारी, हमने 2 विषय पे बातचीत की है। एक तो जो पुनर्वास के विषय रह गए हैं उनके शीघ्र निराकरण के बारे में बात की है। दूसरा, वर्षा काल में अतिवृष्टि के कारण जो क्षेत्र प्रभावित हुए थे या अतिवृष्टि के कारण नदी या नाले के किनारे जहाँ पर भी हमें राहत या बचाव कार्य करने की आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों में अलर्ट रहने, कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करने, SDRF और होमगार्ड की टीम को तैनात करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करने के बारे में आज लोगों ने विस्तार में चर्चा की है। दूसरा विषय है पुनर्वास का। आज हमने निसरपुर में विभिन्न ग्रामवासियों के साथ और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ बात की है। संभाग आयुक्त से जनसंवाद के दौरान सैकड़ों प्रभावितों के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर सहित धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा एवं NBD विभाग के साथ कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, निसरपुर।